तीन दिन से हो रही लगातार बारिश से एक ओर जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर संभल तहसील के फिरोजपुर पुल के नीचे सोत नदी में मानो बहार सी आ गई है। यह वही सोत नदी है जो कि अपना अस्तित्व तक खो चुकी थी, लेकिन संभल में एक ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने सोत नदी को पुनर्जीवन देने का विचार बनाया और सोत नदी को अस्तित्व में ला दिया। बता दें कि पूर्व में संभल SDM रहे दीपेंद्र यादव की पहल से ही यह सब संभव हो पाया। SDM दीपेंद्र यादव ने अपनी पहल और लगन से सोत नदी को पुनर्जीवित कर दिया। आज आप तस्वीरों में देखिए कि सोत नदी किस तरह से अपने अस्तित्व में है और सोत नदी में जल का स्तर क्या है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ठाकुर। हम आज लेकर आए हैं आपको सोत नदी जो मुरादाबाद रोड पर पड़ती है। इसका एक समय ऐसा था जो अपना अस्तित्व सोत नदी खो चुकी थी, लेकिन पूर्व में आए संभल SDM दीपेंद्र यादव ने यहाँ जो सोत नदी अपना अस्तित्व खो चुकी थी उसको अस्तित्व में लाए, और जिन लोगों ने अवैध कब्जा सोत नदी पर किया हुआ था उन सभी लोगों से सोत नदी को कब्जा मुक्त कराकर एक अस्तित्व दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आज सोत नदी में इतना पानी है बारिश का, ये देखने लायक है।